नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम दिवाकर। आप देख रहे हैं शिवम दिवाकर यूट्यूब चैनल। आज तक हमने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं और आप कमेंट करते हैं, प्यार देते हैं, इसलिए हम वीडियो पर वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। आप ऐसे ही प्यार बनाए रखिए, हम आपके लिए वीडियो पर वीडियो लाते रहेंगे। तो दोस्तों, आज हम एक भाई के रूम पर मौजूद हैं और ये जो रूम है काफ़ी दूर है और इनका जो रेंट है वो भी आपको बताएंगे कितना है, और ये मुखर्जी नगर से थोड़ा सा दूर है वो भी बताएंगे कितनी दूर है, और रूम बेहद बड़ा है और कंडीशन बहुत अच्छी है। तो इनसे ही पूछेंगे और यूपीएससी की तैयारी करते हैं। बहुत सारे बच्चे जो हमारी वीडियो देखते हैं, हज़ारों बच्चे, उनकी इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा मदद होने वाली है। सबसे पहले जानना चाहेंगे आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं और किस चीज़ की तैयारी करते हैं। मेरा नाम सागर कुमार मोदी है, मैं झारखंड के हजारीबाग से हूँ और मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन हिंदी मीडियम से कर रहा हूँ। ये बताइए, अभी आपको यहाँ आए हुए कितना टाइम हुआ है? यहाँ आए हुए अभी मेरे 15 दिन हुए हैं। फिलहाल मैं 15 दिन पहले यहाँ शिफ्ट हुआ हूँ। तो आपको ये जो रूम है वो कैसे मिला? ये भैया के माध्यम से मिला, मेरे झारखंड से भैया एक यहाँ पे रहते हैं और मेरे जिया जी साथ में आए थे, वही रूम शिफ्ट करवाए, मेरे वही रूम ढूंढ दिए। दोस्तों, इस रूम का जो स्पेस है वो काफ़ी ज़्यादा है, वो भी आपको दिखाएंगे। ये बताइए, अभी आपने कोई कोचिंग ज्वाइन किया है या नहीं? मैं दृष्टि के लिए इंक्वायरी के लिए गया था, बट वहाँ पे अभी कोचिंग कोरोना के कारण अभी ज्वाइन नहीं कर पाया हूँ। 8 अप्रैल से क्लास स्टार्ट होने वाली है, तो मैं वो क्लासेस ज्वाइन करूँगा। उन्होंने जो फीस बताई होगी आपको जब आप एडमिशन लेने के लिए गए, वो कितनी बताई? उन्होंने 1,47,000 बताए हैं, फिर 5,000 या 6,000 कुछ डिस्काउंट मिलेगी, मतलब 1,40,000 लगभग। उसमें आपको वो कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाएंगे? उसमें GS की सारी सब्जेक्ट पढ़ाई जाएगी, SA पढ़ाई जाएगी, CSET पढ़ाई जाएगी, बस इतना ही। आपकी जो ग्रेजुएशन है वो कहाँ से हुई और 10th और 12th में आपका स्कोर कितना रहा था? मेरा ग्रेजुएशन PSM कॉलेज पटना से हुई है, जो मगध यूनिवर्सिटी कॉलेज है। मैं स्नातक फिजिक्स ऑनर्स से किया हूँ और मेरे 10th और 12th के मार्क्स, मतलब 10th की मार्क्स 78% है और 12th की मार्क्स 69% है। और आप हिंदी मीडियम के छात्र हैं? हाँ जी, मैं हिंदी मीडियम का छात्र हूँ और मैं हिंदी मीडियम से ही सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करना चाहता हूँ। आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है और बच्चे पूछते भी हैं, वो आपका कौन सा है? मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है। मैं पॉलिटिकल साइंस इसलिए ऑप्शनल लिया हूँ क्योंकि मुझे इसमें रुचि है। पॉलिटिकल न्यूज़ के बारे में या पॉलिटिकल व्यू देना मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल लिया हूँ। ये बताइए, आप कलेक्टर ही क्यों बनना चाहते हैं, UPSC की ही तैयारी क्यों करना चाहते हैं? नहीं, इसकी शुरुआत मेरा बचपन से ही हो चुकी। बचपन में ही मैंने सोचा था, मैं अपने गांव में सरकारी स्कूल में पढ़ता था, तो वहाँ पे मैं देखता था, मैं अपने टीचर लोग से बहुत डरता था, बट एक दिन देखा टीचर लोग ही मतलब किसी से और से डर रहे हैं और हम लोग को बोल रहे हैं अच्छे से पढ़ाई करो, आज DM आने वाले हैं, तुम लोग अच्छे से पढ़ाई करो, आज साफ सुथरा कपड़ा पहन के आना, एक दिन पहले मुझे बता। तो मैं सोचा, मैं हम टीचर से डरता हूँ, टीचर भी किसी से डरता है, वो कौन हो सकता है? तो मैं DM के बारे में सोचा, तो फिर मुझे पता लगा, तो फिर मैं बचपन से ही सोच लिया था कि मुझे बनना ही है तो DM ही बनना। अभी आपकी जो एज है वो कितनी है? मेरी एज अभी 22 है। आपने दिल्ली के मुखर्जी नगर को ही क्यों चुना, ये क्यों सोचा कि मैं दृष्टि से ही करूँ? क्या आप सेल्फ स्टडी भी तो कर सकते थे? जी, मैं मुखर्जी नगर इसलिए आया क्योंकि मुझे यहाँ माहौल मिल रहा है, इन्वायरमेंट मिल रहा है, मुझे अच्छे से प्रिपरेशन करने की, मतलब क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे अच्छी लगती है पढ़ाई करने में। और मैं दृष्टि इसलिए चुना क्योंकि वो हिंदी मीडियम के लिए बेस्ट है मेरे अकॉर्डिंग, और मैं 3 साल से सेल्फ स्टडी पटना से कर ही रहा था, बट अब उसको और गति देने के लिए मैं दिल्ली मुखर्जी नगर आया हूँ और अच्छे से तैयारी करना चाहता हूँ। लेकिन वहाँ पे भी बहुत सारे कोचिंग हैं, आपने वहाँ क्यों नहीं किया, यहाँ ही क्यों? नहीं, वहाँ पे मैंने कोचिंग ज्वाइन किया था, वहाँ रामांशु GS क्लासेस है, वहाँ पे मैंने GS की पूरी क्लासेस की हुई है, बट मुझे लगा अब आगे गति देना है तो यहाँ पे आना जरूरी है क्योंकि यहाँ से बहुत DM IAS वगैरह क्वालिफाई करते हैं और जल्दी से बनते हैं। एक आइडिया अगर हम जानना चाहें, आपका यहाँ 1 महीने का लगभग पूरा खर्चा कितना हो जाता है? ये राउंड फिगर में 6-7-8 पड़ जाती है। अभी तक आपने कुछ सेल्फ स्टडी की है, उसके आपने कुछ नोट्स वगैरह बनाए हैं? जी, मैंने नोट्स बनाया। दोस्तों, आपको एक बात बताना चाहें, ये जो रूम है इसकी कंडीशन बेहद अच्छी है। इस रूम का आपका रेंट कितना जाता है?
ये इस रूम की रेंट बहुत कम है, 3,000 रुपया राउंड फिगर में आती है। क्या इसमें जो बिजली का बिल है और पानी का इंक्लूड है या अलग से देना पड़ता है? नहीं, वो पीने वाला पानी, आरओ वाला पानी मुझे खरीदना पड़ता है 20 रुपया हजार, और ये बिजली का बिल मुझे मतलब डिस्ट्रीब्यूट करके मंथली वाइज में पे करना पड़ता है। कितना हो जाता है लगभग? ये मैंने दिया नहीं है, बोला जा रहा है 100-200 रुपया जो आएगा देना पड़ेगा, अभी मुझे तो पता इस नहीं। रूम में आप अकेले रहते हैं? जी, मैं इस रूम में अकेला रहता हूँ और मैं अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे कुछ करना चाहता हूँ। और अभी आप यहाँ कितने घंटे सेल्फी स्टडी करते हैं जो? मैं 7 से 8 घंटे कर पा रहा हूँ, मैं इसे आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ और देखता हूँ बढ़ा पाऊँगा या नहीं। क्या लाइब्रेरी भी ज्वाइन किया है आपने? नहीं, मैंने लाइब्रेरी ने ज्वाइन किया क्योंकि मैं रूम में अकेला रहता हूँ तो मुझे लगता है कोई डिस्टरबेंस नहीं होती है। अगर डिस्टरबेंस, अकेले रूम में अगर डिस्टरबेंस होना है तो वो खुद ही को डिस्टरबेंस कर सकता है, कोई दूसरा नहीं कर सकता है, इसलिए मैं रूम में ही रहकर पढ़ना अच्छा मानता हूँ। जब आप कलेक्टर बन जाएंगे तो आप कौन कौन से वर्क करेंगे, क्या क्या काम करेंगे, क्या करना चाहते हैं, आपको क्या लगता है कि क्या कमियां हैं जिन पे आप सुधार करेंगे? नहीं, मैं कलेक्टर बन के सबसे पहले काम है महिलाओं के शिक्षा के प्रति जागरूक करना है, क्योंकि मेरे गांव में ये देखता हूँ महिलाएं बहुत कम पढ़ी लिखी हैं और महिलाओं को ये पता नहीं है कि हम जितना काम करते हैं उसके लिए मजदूरी कितना मिलती है। मैं देखता हूँ अपने गाँव में पुरुष और महिलाओं में जो मजदूरी मिलती है उनके काम करने के लिए, वो पुरुष और महिलाओं की तुलना में बहुत कम मिलती है। वो ऐसा हो चुका है, और मैं महिलाओं को शिक्षा में आगे करके उन्हें भी शिक्षा का माहौल देना चाहता हूँ। और दूसरा ये है कि मैं बच्चों को, जो बच्चे पढ़ाई करते हैं उनको प्रोत्साहन देने के लिए मैं कुछ कार्यक्रम आगे बढ़ाऊँ। मैं इसका भुक्तभोगी खुद हूँ क्योंकि प्रोत्साहन मुझे गांव में नहीं मिलता था, ये मुझे बहुत खला, और मैं चाहता हूँ कि कोई भी बच्चा प्रोत्साहन की कमी के कारण असफलता प्राप्त ना करे, वो सफल हो। तो यहाँ पे आपने जो सेल्फ स्टडी करके कुछ नोट्स बनाए हैं वो दिखाई गया, लेकिन आपने एक बात ये और बोली कि महिलाओं के लिए करना चाहता हूँ। मैं जिससे भी पूछता हूँ मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यही कहते हैं कि हम महिलाओं के लिए करेंगे, लेकिन क्या जो लड़के हैं, पुरुष भी तो हैं, उनके लिए कौन करेगा? क्या उनके लिए नहीं करना पसंद करेंगे आप? नहीं, मैं महिलाओं पे विशेष कर ध्यान दूंगा, पुरुषों के लिए भी किया जाएगा, सर्व समाज का विकास किया जाएगा, ये मेरा कहने का मतलब है। मैं महिलाओं की कमी है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, उसको एम्पावरमेंट करने का लक्ष्य रखना जरूरी है। चलिए दिखाइए अपने नोट्स, दिखाइए क्या आपने बनाए हैं जो सेल्फ स्टडी करके। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ इनकी कुछ बुक्स रखी हुई हैं, और ये जो रैक है अगर आप रूम रेंट पे लेते हैं तो आपको ही खरीदनी पड़ती है। ये जो रैक है यहाँ इनका कुछ सामान रखा हुआ है, और ये एक जो टेबल है नया है जो कि, और ये चेयर इन्होंने खुद ही खरीदा है, ठीक है। और ये जो इनका एक चारपाई है, ठीक है, फोल्डिंग है, ये भी इन्होंने खरीदी है, इनसे ही पूछेंगे कितने की ली है। तो ये जो आपने टेबल और चेयर खरीदी है लगभग कितने में मिल चुकी है आपको? ये टेबल मुझे 450 में मिली है और चेयर 1,000 में मिली है। और ये जो तो आपने अलग से खरीदी है चारपाई? ये चारपाई की लगभग 1,200 रुपये लगे हैं। अच्छा, और इधर आप देख सकते हैं दोस्तों इन्होंने मैप लगा रखे हैं, ठीक है, वहाँ पे भी और यहाँ पे भी। कौन कौन सा नेशनल पार्क इंडिया में है, जम्मू कश्मीर में कौन सा नेशनल पार्क है, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में कौन सा पार्क है। आपकी जो तो राइटिंग है बेहद अच्छी और बेहतरीन है। थैंक यू, ये राइटिंग मैंने बहुत अच्छे से सुधारा और मुझे लगता है कि और अभी इस राइटिंग को सुधारने की ज़रूरत है। हमारी पूरी शुभकामनाएं हैं कि आप कलेक्टर बने, और आगे धन्यवाद। दिखाइए। और ये पूरा मतलब कॉन्टिनेंट के बारे में दिया हुआ है, कॉन्टिनेंट के बारे में दिया हुआ है, एशिया, ओशनिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ओशनिया के बारे में दिया गया। और मैं एक चीज़ आप लोग को और दिखाना चाहूँगा कि ये ऑक्सफोर्ड की एटलस है जिसमें मैंने पूरा अच्छे से प्रैक्टिस किया हुआ है। ये उत्तर प्रदेश, बिहार एंड झारखंड का फिजिकल है जिसमें मैंने प्रैक्टिस किया हुआ है। और इसमें आपने हाईलाइट भी किया हुआ जी है? जी मैंने हाईलाइट किया क्योंकि मुझे कभी दिक्कत ना हो, मैं तुरंत खोज लूँ। ये देखिए इंडिया की फिजिकल है जिसको मैंने अच्छे से हाईलाइट किया है, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, जमीन से जुड़े देश कौन से हैं, गोवा से मैंगलोर तक कौन सा तट है, कन्नड़ तट है, गुजरात से गोवा तक कौन सा तट है, कोंकण तट है, ये सब मैंने हाईलाइट किया हुआ है। और ये मैंने ब्रह्मपुत्र नदी के सहायक नदियों के बारे में बनाया खुद से, ये
गंगा नदी की सहायक नदियाँ। ये जो नक्शा आपने ही बनाया है पेन से? जी जी मैंने अपने से बनाया है और मैं बहुत ही सुंदर। धन्यवाद, बट अभी और सुधार करने की जरूरत है इसमें। हाँ जी बिल्कुल, आप सुधार करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। जी जी जी। और दिखाइए, ये जो बुक्स आपने रख रखी हुई हैं, ये आपने खुद खरीदी हैं, और अभी आप कौन कौन सी बुक फॉलो कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ये बताइए। ये सभी लोग फॉलो करते हैं, भारत का स्वतंत्रता संघर्ष जो हिस्ट्री की बुक है, वो जो बिपिन चंद्रा के द्वारा लिखी गई है और मृदुला मुखर्जी के द्वारा, भारत का स्वतंत्रता संघर्ष फॉलो कर रहा हूँ हिस्ट्री के लिए। और इकोनॉमिक्स के लिए आर्थिक विकास एवं नियोजन के लिए डॉक्टर सुमन की बुक फॉलो कर रहा हूँ। और मैं ज्योग्राफी में फॉलो कर रहा हूँ महेश कुमार बरनवाल की बुक, जो मुझे GS में बहुत सारी मदद करेंगी। और मैं इकोनॉमिक्स प्रीलिम्स के लिए रामेश्वर सर की नोट्स को अभी देख रहा हूँ, क्योंकि मैंने कोचिंग ज्वाइन नहीं किया है, सेल्फ स्टडी के लिए यही कर रहा हूँ। और यहाँ हम देख पा रहे हैं कि यहाँ श्रीमद् भगवद गीता, ये भी आप पढ़ते हैं क्या? ये मैं रोज तो नहीं, बट जब मैं सुबह जल्दी उठ जाता हूँ तो मैं जरूर पढ़ने का प्रयास करता हूँ। इससे सीखता हूँ कि जीवन के उद्देश्य, मूल उद्देश्य क्या होते हैं, ये मैं प्रयास करता हूँ। और ये मैंने ये बुक दोस्तों बहुत ही अच्छी है, भगवद गीता जो आप जानते हैं, बहुत ही आनंद आता है इसे पढ़ने में। और बताइए आप। और ये द स्टडी का है, मणिकांत सर का बुक है, मणिकांत सर का प्रिंटेड नोट्स है। ये हिस्ट्री का है, मध्यकालीन भारत का, इसे भी मैं फॉलो करता हूँ। इसे मैं रोज रीडिंग डालता हूँ। अभी नोट्स तो नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी ये सुरक्षा के नोट्स बना रहा हूँ। और ये मैं कुछ एक दो घंटे JPSC का भी, मतलब झारखंड JPSC का भी मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ। उसमें भी PT का एग्जाम देना है जो 2 मई को है, इसकी भी मैं तैयारी साथ में कर रहा हूँ। और यही आप सारी बुक फॉलो करते हैं और पढ़ते हैं, और कोई आपको गाइड भी कर रहा है आपसे बड़े? हाँ, मेरे एक भैया हैं कृष्णा भैया, जो मुझे हमेशा गाइड करते रहते हैं कॉल करके। और यहाँ पे मेरे एक भैया हैं जय भैया, वो भी रूम आके कभी कभी देखते रहते हैं कि पढ़ाई कैसा चल रहा है या कोई चीज़ में प्रॉब्लम तो नहीं है, वो दोनों की गाइड करते रहते हैं मुझे। मम्मी पापा के लिए कोई मैसेज छोड़ना चाहेंगे, उन्होंने आपको यहाँ भेजा? मम्मी पापा को बस यही कहना चाहेंगे कि वो जो उम्मीद लगा के मुझे भेजे, मैं उस उम्मीद पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करूँगा। और मम्मी पापा का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे मुखर्जी नगर भेजने का हिम्मत दिखाया। मेरे गाँव से अभी तक कोई भी मुखर्जी नगर नहीं आया है, और मैं आशा करता हूँ कि मैं DM बन के ही अपने घर मम्मी पापा के पास जाऊँ। बिल्कुल आप बनेंगे, हमारी भी पूरी शुभकामनाएं हैं। दोस्तों रूम आपको दिखा दिया है, ये एक टेबल है, यहाँ इनकी कुछ बुक्स रखी हुई हैं, और यहाँ हम अभी बैठे हैं, ये भी आपको दिखा दिया है। अब आपको इधर का दिखाते हैं कि इनका रूम कैसा है, क्योंकि आप लोग कहते हैं कि शिवम भाई रूम ज़रूर दिखाइए, तो आपको दिखाना चाहें। इधर आप देख सकते हैं इनका एक ये फोल्डिंग है चारपाई, यहाँ इनका सामान रखा हुआ है। इधर आप देख सकते हैं इन्होंने यहाँ पे कुछ पोस्टर लगाए हुए हैं, और यहाँ एक मैप लगाया हुआ है। और इधर आइए आप दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं आप पीने का जो पानी है उसकी इन्होंने एक बोतल मंगाई हुई है, इससे पीने का पानी इसमें से निकाल लेते हैं। यहाँ आपके खाने पीने का सामान रखा हुआ है। हाँ जी जी, मैं कभी कभी मैं तो खाना खुद बनाता नहीं हूँ, तो रेडीमेड जो भी नाश्ता है वो ला के रखा हुआ हूँ, जो कभी कभी भूख लगती है तैयारी के दौरान, मुझे भूख लगती है तो मैं यहीं से खाता हूँ और फिर अपने अध्ययन कार्य में लग जाता हूँ। बाहर से ही आता है आपका, है ना? और ये मैप लगाए हुए हैं, इनसे क्या मदद लेते हैं आप? ये इसकी मदद लेता हूँ कि कोई मतलब मुझे आ गया कि अंटार्कटिका का कुछ न्यूज आ गया, इंटरनेशनल न्यूज आ गई, तो अंटार्कटिका कहाँ पे है, उसकी फिजिकल कंडीशन पॉलिटिकल कंडीशन क्या है, ये बेसिक उसकी नॉलेज दी हुई है। ये मतलब सभी देशों के फ्लैग के बारे में डिस्क्राइब किया गया है आपने। और ये जो छोटे छोटे ये क्या लगा रखे हैं, 7 बजे उधर भी लगा रखे हैं क्या? ये मतलब मैंने अपना मतलब प्रिपरेशन के दौरान जो मतलब ये टाइम तय किया है कि ये मैं 7 बजे शाम को ज्योग्राफी पढ़ूंगा, ऐसा मैंने तय किया है, जो मैं फॉलो कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ ये और सख्ती से फॉलो हो धीरे धीरे। ये बताइए आपके रूम में थोड़ा बाहर का शोर शराब आ रहा है, क्या ये ऐसा कंटिन्यू आता है? नहीं, कंटिन्यू नहीं आता है, अभी ऊपर में थोड़ा काम चल रहे हैं इसलिए शोर शराब आ रही है। दोस्तों इधर आप देख सकते हैं ये एंट्री गेट है, ठीक है, और यहाँ इनकी एक टेबल है, ठीक है, ये टेबल भी बहुत अच्छी है। इधर इनके कपड़े टंगे हुए हैं, और यहाँ पे भी इन्होंने एक मैप लगाया हुआ है, और यहाँ इनकी टेबल चेयर और रैक है जो कि आपने देख लिया है। दोस्तों आशा और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आज की वीडियो में इतना ही, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, आपके विचार सादर आमंत्रित हैं। आज की वीडियो में इतना ही, जय हिंद।